जरूर करो। अल्लाहुम्म इन्नी असलुका इल्मन नाफ़ियन व रिज़्कन तय्यिबन की इस दुआ की तशरीह मैं करा। यह दुआ बज़ाते खुद एक पूरी किताब है। क्या अल्लाह मैनू इल्म नाफ़े दे, सब तो पहला तेरी जरूरत, जी मालूमात ही दुरुस्त नहीं, दीन के बारे च, अपने बारे, खुदा के बारे, कायनात के बारे तसव्वुर ही सही नहीं, उन्हें पता ही नहीं मैं कौन आ, क्यों आया, किधर जाना, कि वास्ता, इलम ही नहीं दुरुस्त, मालूमात ही गलत है। उस मुसाफिर ने ठोकरा ही खानी। पहली जरूरत इंसान की है कि उन्हें इलम नाफे नसीब, निरा इलम नहीं, इलम इन्हें बड़ा दानश्वरा को समान मापते फिरते, मगर बिल्कुल खड़ गिरे जाहिलिया बदतरीन जुलमात फौका बाजवा फौका बाद। जिन्हें आने बड़े तरक्की याफ्ता, तरक्की याफ्ता सिर्फ हैवान होने से, कि जानवर जो बदमाशियां कर रहे उन्होंने ज़्यादा तरक्की याफ्ते करने रस्ते शहवत पूरी कर दे, बंदे वढ़न दे, कोई इंसानी अगे नहीं बढ़े। इलमन नाफियन चाहिए, और ही इलम के सिर्फ आदमी के दिमाग किताबा पढ़ जा, नाफे इलम ऐसा इलम जरा इंसान को फायदा दे दुनिया। ऐ उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की रसूलल्लाह ने फरमाया नमाज़े फजर के बाद कहो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफियन, फिर अमल नहीं आख्या, अमल पिछे पा दरम्यान चलांदा वरिज़कन तय्यिबन, नेक अमल पिछों आऊगी बारी, जे नाफे इलम दे दें सही मेरे दिमाग च नूर अपने दीन का वार दें तो फिर रिज़कन तय्यिबन पाक रोजी दें, मेरे रिज़्क हराम की मिलावट ना हो। तो तीसरी फरमाई व अमल मुस्तकबल, फिर ऐसे काम करने की तौफीक दे जेड़े तेरे दरबार कबूल हो जाए। ऐ कबूल मुश्किल मरला कि काम कई हो सकते जेड़े से दीन के मुताबिक ठीक करे, वजू ठीक किया कबूल नहीं है, नीयतों की खोट है या कोई खराबी है, अल्लाह ने रद्द कर। इस पारों आयत जी अं पढ़ते हैं रब्बाना आतिना फिद्दुनिया हसनतन।